नगर कौंसल विखे समूह जेतू कौंसलरां अते एसडीएम विचकार लंबा समय चली मीटिंग पिछों ज्यों ही हलका इंचार्ज केवल सिंह ढिल्लो पुजे तां उत्थे मौजूद कौंसलरां ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दिती। प्रदर्शनकारियों का दोष सी कि मक्खन शर्मा हाउस का मैंबर नहीं है, फिर भी उसनू हाउस की मीटिंग क्यों जान दिता गया है। उपरंत मीटिंग 10-15 मिनट बिताउण पिछों ज्यों ही केवल सिंह ढिल्लो वापस मुड़े तो खड़े कौंसलर परमजीत सिंह उर्फ ज्योति मान की अगवाई वार्ड नंबर 16 के कौंसलर हेमराज गर्ग, वार्ड नंबर 28 तो अजय कुमार, वार्ड नंबर 31 के कौंसलर दीप माला, वार्ड नंबर 17 के कौंसलर शंबाना, वार्ड नंबर 21 के रेनू धर्मा आदि ने एसडीएम वरजीत वालिया खिलाफ जोरदार नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इस संबंध में परमजीत सिंह ज्योति मान मौजूदा कौंसलर कांग्रेस पार्टी महेश कुमार, धर्मपाल मौजूदा कौंसलर दी पत्नी रेनू अते परमजीत सिंह मौजूदा कौंसलर दा पति ने की कहा, आओ सुनते हाँ। जो मक्खन शर्मा जी अंदर गया अपना गली दे विच एक दूजे दे भज्जियां उठ रही सब प्रशासन भी खड़ा थोड़े सामने आ कि साढ़े भी डीसी जी अगे मैंबर असं बहर खड़े हाँ, जिम्मे लोग सारे बहर खड़े उन्होंने मुझे असं बहर मैंबर बहर खड़े हाँ, तो आ दूजे भज्जियां उठ रही बहुत ज़्यादा असं ये पूरा खिलाफ हाँ। जो मक्खन अंदर गया सिर्फ प्रधानगी लगे किस चीज नूं लगे वीडियोग्राफी एक सारा तो जरूरी चीज दसो कोशिश करे मैं जो लेडीज एम सी मैं उन्होंने कवर करके साडे नाल जीवन होर वीर मेरे नाल भिंदी साडा अजय वीर असीं उन्हां नूं लैके बाहर आए पुलिस ने गेट गूट ला के अंदर ताड़न की कोशिश नगर कौंसल के जो इलेक्शन मैंबर आ गए उन्होंने इलेक्शन हो रही है मैंबर का हक है जो इलेक्ट आता ज्यादा चोन चक्कर कर हिस्सा लें मैं भी इस हाउस का लगातार हिस्सा मैंबर पर हूँ अजीब घटना देखने को मिली है जो व्यक्ति इस हाउस का मैंबर नहीं है मक्खन शर्मा वो प्रशासन ने धक्के अंदर भेजता जो कि वो घरवाली प्रधानगी करती है कानूनी रूप में यह प्रक्रिया कानून रूप में सिले चढ़नी चाहिए है ये बिल्कुल धक्केशाही हैगी इस धक्केशाही के खिलाफ असं बिल्कुल कर सकते हो सारे ही पता हम देखा ही है कि सारिया फोटो लग कोई मैं कुछ का नहीं पता मैं करा इस तरीके का रोष है की मांग करते हो हूँ एक कद तक रहेगा बाहर कटना चाहिए छोटे सामने प्रेस में कि जो आजादी प्रेस लिख रही आजादी लिखना चाहिए छोटे सामने हाउस का मैंबर अंदर जाने की आज्ञा नहीं असं इस कानून में नहीं भंग करते असं बाहर बैठे हैं यार असल तो प्रशासन को 100 गज के घेरे च बैरीकेडिंग ला के जो इस हाउस का मैंबर नहीं वो कार्ड चैक करके अंदर एंट्री होनी चाहिए ना कि चहेतरी एंट्री होनी चाहिए गेट का घरा दिता है गेट के बाहर बैठे कद तक रहोगे बैठे जी चोन निपटने वाली है जी पता ही है हम चोन च की होना प्रशासन पता कुछ हो तुम भी देख रहे हो सारा कुछ देख लो की हो रहा है बरनाला तो मनोज शर्मा की रिपोर्ट। मौजूदा हालात ते नजर मारीे तो इंसान तरह तरह दीमारिया जूझ रहा है।
इंसान बीमारियों तो छुटकारा पाउण लई तरह तरह के उपराले भी करता है। और जिमें तुहाडे दुखां नूं मद्देनज़र रखते हुए इस तो पहला फीर लीफ ऑयल तैयार किया गया जिस द्वारा 125 बीमारियों का इलाज किया गया। तो हुण एक होर प्रोडक्ट तुहानू दुखां तो नजात दवाउण लई हाज़र है, फीर लीफ पावर, जिस दे नाल तरह तरह दीआं कमजोरियां नूं दूर किया जा सकता है, जिमें मरदाना कमजोरी, अंतरियां दी सोजिश, पेशाब विच जलन, दिल दी कमजोरी, खून दी कमी अते दिमाग नूं तेज़ करता है। अलग अलग लैबोरेटरियां तो आयुर्वैदिक माहरां द्वारा टैसट हो के आप सब दे रूबरू है और जिस दे विच कई तरह दीआं आयुर्वैदिक जड़ियां बूटियां अते कई तरह के पसम मिला के तैयार किया गया है। वह नौजवानों लई बड़ा वरदान सिद्ध हो रहा है। जो नौजवान मरदाना कमजोरी नाल जूझ रहे ने, वह हुण फीर लीफ पावर का इस्तेमाल करन तो बाद दोबारा खोई हुई मरदाना ताकत नूं हासिल कर सकते ने। ये मेडिसन 100% आयुर्वैदिक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तुसीं वधेरे जानकारी लई संपर्क कर सकते हो 94784 84087।